गुड मॉर्निंग किरण। लास्ट टर्न में हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया था और साथ में उससे रिजल्टेंट निकालने का डेरिवेशन भी किया था। और रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आया था वो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला आ गया था r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा है उसका फॉर्मूला आ गया था टेन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए cos थीटा। या फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि यहां पर ए की जगह बी, डायग्राम के हिसाब से इसमें हम लोग इसको बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट लॉ पढ़ना है, आज की स्टार्टिंग है लॉ ऑफ पैरलोग्राम। लॉ ऑफ पैरलोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरलोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ पैरलोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में ये बताया गया है कि अगर दो वेक्टर चिल्ड्रन गिवन है, मैंने सपोज कर लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है और वेक्टर बी जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। वेक्टर बी जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और आपको लॉ ऑफ पैरलोग्राम का यूज करके इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मीन्स सम निकालना है। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरलोग्राम और वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है तो आप इन दो वेक्टर्स को एक पैरलोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे मैंने पहला वेक्टर ए ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये वेक्टर ए हो गया, जितने मैग्नीट्यूड का यहां पे था उतने ही मैग्नीट्यूड का मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया। अब वेक्टर बी थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसके ए के टेल से थीटा एंगल बनाते हुए हम वेक्टर बी बना देंगे जिससे वो पैरलोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करे। इस पॉइंट को मैंने ओ कह दिया। तो मैंने क्या किया है कि दो जो वेक्टर्स गिवन है इनको पैरलोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरलोग्राम। अब मैं इसको पैरलोग्राम कंप्लीट कर ले रहा हूं, वेक्टर ए के पैरल ये मैंने एक वेक्टर बना दिया और इस वेक्टर बी के पैरल यहां से एक वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर बी होगी। और आप जानते हैं कि पैरलोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये वेक्टर ए है तो इसकी वैल्यू भी वेक्टर ए होगी, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा और पैरेलल है इसलिए ये जो एंगल होगा ये भी थीटा डिग्री का एंगल ही होगा। ठीक है, अच्छा तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट कह दे रहा हूं, इस पॉइंट को क्यू कह दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है क्यू एम। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो अगर इसका रिजल्टेंट निकालना है तो इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो इसका रिजल्टेंट जो होगा इस पैरलोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट मीन्स सम। ठीक है, तो अब देखिए इसका पैरलो लॉ ऑफ पैरलोग्राम और वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या हुआ।
अगर स्टेटमेंट लिखना है तो ये वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो हमें क्लियरली बताना पड़ेगा कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कॉमन पॉइंट। सेम कॉमन पॉइंट से मतलब जहां से वेक्टर ए स्टार्ट हुआ है, जहां से वेक्टर बी स्टार्ट हुआ है, उसी कॉमन पॉइंट से डायगोनल स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कॉमन पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कॉमन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करके भी हम रिजल्टेंट का डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट चैन वाला अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया हो, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था, जिसमें मैंने क्या किया था, इस पेपर को अगर आप देखें लास्ट चैन वाले, तो उसमें मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरलोग्राम सॉरी ट्राइंगल की टू टू सक्सेसिव साइड से रिप्रेजेंट किया था, तो उसका रिजल्टेंट था ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा था, थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा था। ठीक है। अच्छा, थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा था, तो मैंने देखी इस वाले में लेबलिंग सेम करी है, जैसे इसमें ओपी की वैल्यू ओपी ए था, तो यहां पर भी मैंने ओपी को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वेक्टर ओपी की वैल्यू ए है। ऐसा मैंने जानबूझ के किया है जिससे आपको दो बार डेरिवेशन की प्रिपरेशन ना करनी पड़े। तो ओपी की वैल्यू ए हो गई। ठीक है। और जो पी क्यू है वो बी है, तो इसमें भी पी क्यू की वैल्यू बी है, मैंने लेबलिंग सेम कर लिया है। ठीक है। तो मैं अब सपोज करके चल रहा हूं कि आपने लास्ट टर्न पे जो डेरिवेशन मैंने कराया था उसको आपने किया होगा, इसलिए मैं अब यहां पे डेरिवेशन बता तो रहा हूं लेकिन बहुत शॉर्ट में। तो अब हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन का यूज करके फिर रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला ऊपर निकाला था लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज करके उसको दोबारा यहाँ प्रूफ करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, फिर इस ट्रायंगल में मैं इसमें ओपी का जो मैग्नीट्यूड है, ओपी की वैल्यू ए है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसको खाली ए लिख सकते हैं, और ये पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू वो बी है, मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसको इस तरह से भी बी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं इस ट्राइंगल में ट्राइंगल पी क्यू एम में इन ट्राइंगल पी क्यू एम से अगर मैं इसको ये एक्स और इस वाई की अगर वैल्यू निकालूं, तो पहले मैं कॉस थीटा लगा दे रहा हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम की वैल्यू मैंने एक्स सपोज की हुई है और पी क्यू की वैल्यू यहां पे मालूम है कि बी है, तो इसे एक्स की वैल्यू निकाल लिया, एक्स की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। देयरफोर अगर मैं ओ एम का मैग्नीट्यूड देखूं,
तो ओएम की जो वैल्यू होगी फिगर में नजर आ रहा है कि ओपी प्लस पीएम, ये एक्स जो है वो पीएम के इक्वल है। तो ओपी की वैल्यू है ए और पीएम की वैल्यू निकाल चुके हैं बी कॉस थीटा, तो ओएम की वैल्यू हमें पता चल गई। तो मैंने इसको इक्वेशन वन सपोज कर लिया है। अब मैं साइन थीटा का यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एम अपॉन बी, यानी वाई अपॉन बी। तो इससे मैं वाई की वैल्यू निकाल ले रहा हूं, तो वाई की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। इसको मैंने इक्वेशन टू सपोज कर लिया, ठीक है। अब मैं ट्राइंगल ओ क्यू एम में, इन ट्राइंगल ओ क्यू एम एंगल ओ एम क्यू 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले रहा हूं। देयरफॉर ओ क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो ओ एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ओ एम स्क्वायर और क्यू एम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो ओ एम और क्यू एम की वैल्यू मैं ऊपर निकाल चुका हूं, क्यू एम से मतलब है वाई, ये जो वाई है यही क्यू एम है। अब मैं वैल्यू रख दे रहा हूं, ओ क्यू की जगह आर पुट कर दे रहा हूं, तो आर इज इक्वल टू ओ एम की वैल्यू रख दिया ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और क्यू एम की वैल्यू बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं एक दो स्टेप को स्किप कर रहा हूं, इन दोनों टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और बी स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू वन हो गया प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये मैं इससे, यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो यहां अंडर रूट आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, यही फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ था। अब जी ये रिजल्टेंट है, ये अगर हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रही हो, तो अगर मुझे टैन अल्फा का अगर फॉर्मूला निकालना है, टैन अल्फा ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का है, ये क्यू पॉइंट है, ये एम है, ये ओ है, ये रिजल्टेंट आर है, इसने अल्फा एंगल बना रखा है। ओ एम की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं कि ये ए प्लस बी कॉस थीटा है, और क्यू एम की वैल्यू बी साइन थीटा। तो अगर इसमें मैं टेन अल्फा की वैल्यू अगर निकालूं तो टेन अल्फा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। बाकी जो केसेस हैं जो हमने ट्रायंगल में पढ़े थे वो केसेस कॉमन हैं, तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आप इसमें देख सकते हो। जैसे केस वन में हमने क्या लिया था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल हो, अगर पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो जो फॉर्मूला, ये आर का जो फॉर्मूला है, आर का जो फॉर्मूला है, इसी में थीटा की वैल्यू 0 रख दिया था, तो आर की वैल्यू आ गई थी ए प्लस बी, और ये मैक्सिमम रिजल्टेंट था। फिर सेकेंड केस था कि अगर दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल मींस पैरेलल तो हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, एक ऊपर की ओर है तो नीचे, दूसरा नीचे की ओर है, एक अगर राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। उस केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया था ए डिफरेंस बी, यानी ए माइनस बी।
और ये इस केस में रिजल्टेंट मिनिमम होता है। इस तरह हम लोगों ने फोर केसेस पढ़े थे, आपको रिवाइज जरूर करना है वरना ये कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लास 10th में जितना आप पूरे साल में पढ़ते हैं उतना यहाँ पर आपको एक महीने में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? इसलिए ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्लास 10th के सिलेबस से कम 6 to 7 times सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए टाइम भी आपको इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। अच्छा देखिए, अगर दो वेक्टर्स ए और बी गिवेन है और उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो इसको तो हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन, दो वेक्टर्स को मिला करके अगर एक सिंगल वेक्टर निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, आपको एक वेक्टर गिवेन है, एक वेक्टर गिवेन है और उसको आपको दो वेक्टर निकालना है, ठीक है? तो अगर किसी सिंगल वेक्टर को अगर दो वेक्टर्स में आप ब्रेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मेरा अगली हेडिंग है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक सिंगल वेक्टर को आपको दो वेक्टर्स में इस तरह से ब्रेक करना है कि उनका रिजल्टेंट गिवन वेक्टर के इक्वल हो। तो डिवाइडिंग एनी वन वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर रिजल्टेंट रिमेन्स द सेम, देन सच डिवीजन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन को हम लोगों को, जैसे सपोज कीजिए कि आपको, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? एक आपको वेक्टर गिवन होगा, एक वेक्टर आर गिवन है जैसे, और आपको इसको दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना है, दो वेक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है? तो अगर जिन दो डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर्स दो डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं और वो दोनों डायरेक्शन आर के परपेंडिकुलर हो, ये दो डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हम निकालेंगे, एक कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल जिसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कह दीजिए और दूसरा वर्टिकल जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो किसी गिवन वेक्टर्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर देना रिजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है? और ये जो आर एक्स और आर वाई है, आर के बेस में केवल एक्स इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर मैं इसको ओरिजिन सपोज कर लूं तो ये वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा और ये जो है अलोंग वाई एक्सिस होगा, इसलिए मैंने आर वाई लिख दिया है। आर एक्स का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? आर एक्स और आर वाई क्या कहलाते हैं? आर एक्स और आर वाई कहलाते हैं कॉम्पोनेंट्स। इनको कहते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर, ठीक है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है चिल्ड्रन, तो मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को ए सपोज कर लिया, यानी ओ ए का जो मैग्निट्यूड है वो आर के इक्वल है और ए से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, इस पॉइंट को मैं एम कह दे रहा हूं। तो ओ एम की जो वैल्यू है इस फिगर में, ओ एम का जो मैग्निट्यूड है वो आर एक्स के इक्वल है और जो ए एम की वैल्यू है ए एम वो आर वाई के इक्वल होगी, यानी ये आर वाई हो जाएगा। आर वाई, आर के बेस में वाई लिखा हुआ है, ए एम की वैल्यू जो है वो आर वाई के इक्वल होगी। अगर आपको आर मालूम है, यानी वेक्टर आर की वैल्यू मालूम है, या इसका मॉड अगर ले लें तो ओ ए की लेंथ आर है, तो अगर मैं इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा लूं इन ट्राइंगल ओ ए एम, अगर आर एक्स निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाना पड़ेगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए। ओ एम की वैल्यू है आर एक्स और ओ ए की वैल्यू है आर, तो ये फॉर्मूला आ गया आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दे रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आर वाई अपॉन आर, ए एम अपॉन ओ ए करेंगे, ए एम की वैल्यू आर वाई है और ओ ए की वैल्यू आर है,
अगर इससे मैं आर वाई की वैल्यू निकाल लूं तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने वेक्टर आर को दो डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस ब्रेक कर लिया। अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं तो उसको कंपोनेंट्स कहते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। और अगर वेक्टर आर की वैल्यू देखनी है तो वेक्टर आर जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है आर एक्स। और मैंने आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बताया था जिसमें बताया था अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई कैप लिया जाता है। तो आर एक्स को हम लोग आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट हो गया। और जो ये आर वाई है इसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते थे वो जे कैप लेते थे, जे कैप, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में हम लोग ने ये पढ़ा था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर ध्यान ना हो तो आपको मैं बताऊं, उसमें हम लोग ने ये थ्री एक्सिस लिया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग यूनिट वेक्टर लेते थे आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप। तो आर एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, आई कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर लेते हैं वो आई कैप लेते हैं और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं। तो आर वाई को आपको जे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हमारा वेक्टर आर हो जाएगा। और ये वेक्टर आर क्या एंगल बना रहा है, अगर एंगल निकालना है तो इस ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं, टैन थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। क्लास 11th में ये याद रखना चिल्ड्रन कि जब कभी भी आपको एंगल निकालना हो तो टैन थीटा ही निकालेंगे, साइन कॉस कॉसिक और सेक नहीं निकाला जाएगा, टैन थीटा निकाला जाएगा। तो टैन थीटा निकालना है अगर, तो हम इसमें फिगर से नजर आ रहा है कि ए एम अपॉन ओ एम, ए एम की वैल्यू है आर वाई और ओ एम की वैल्यू है आर एक्स। तो यहां से थीटा का फॉर्मूला आ गया टैन इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ये रिजोल्यूशन ऑफ और वेक्टर हो गया, यानी एक वेक्टर आर को आपने दो डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है। अभी से पहले हम लोग ने क्या किया था कि दो वेक्टर्स गिवन थे, वेक्टर ए गिवन था और वेक्टर बी गिवन था और उसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे। दो वेक्टर से एक वेक्टर अगर आप बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन। और कॉम्पोजिशन का उल्टा है रिजोल्यूशन। इसमें एक वेक्टर आर गिवन है और आप इससे दो वेक्टर्स निकाल रहे हैं, दो डायरेक्शन में वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, आर वाई और आर एक्स, ठीक है। जब सिंगल वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। और अगर दो वेक्टर्स गिवन है उसे एक सिंगल वेक्टर निकाल रहे हैं तो उसको बोला जाता है कॉम्पोजिशन। तो रिजोल्यूशन का ऑपोजिट हो गया कॉम्पोजिशन। तो ये हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स देख लिया। अब देखिए जैसे यहां पे एक्स और वाई टू एक्सिस के बीच में था, लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल अगर है, अगर थ्री डायमेंशनल है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर थ्री डी में देखना है, ठीक है, तो उस केस में इन थ्री डी, इन थ्री डायमेंशन, अगर थ्री डायमेंशन में अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स। आर एक्स लिखा तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता आई कैप, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्लस आर वाई, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है जे कैप प्लस आर जेड, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप। तो ये आपका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और आर का अगर हम मैग्नीट्यूड पूछें, मॉड ऑफ आर,
वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो बहुत सिंपल है, इसमें आप आई का कोफिशियंट देख लेंगे क्या है। आई का कोफिशियंट है आर एक्स, उसको लिख लेंगे आर एक्स होल स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशियंट आर वाई होल स्क्वायर, के का कोफिशियंट आर जेड होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स देखा है, वैसे अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हमें देखना है कि अगर दो वेक्टर्स गिवन है तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे। तब तो हम लोगों को देखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हम लोगों ने दो वेक्टर्स का एडिशन किया, वैसे अब सब्ट्रैक्शन देखना है। सपोज कर लो, फिर मैं वही कॉमन डायग्राम बना रहा हूं, मैंने एक वेक्टर ए बना दिया और एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। मैंने पहले वेक्टर की सपोज कर लो लेंथ सपोज कर ली 4 सेंटीमीटर है और वेक्टर बी 3 सेंटीमीटर का है। अब आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं वेक्टर ए प्लस माइनस बी को लिख सकता हूं माइनस वेक्टर बी, तो भी सेम मतलब होगा इसका, ठीक है ना। यानी एडिशन ऑफ वेक्टर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप देखिए वेक्टर बी के डायरेक्शन ऊपर की ओर है, वेक्टर का ऑपोजिट वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अगर बदलनी है, उसकी डायरेक्शन अगर रिवर्स करनी है तो उसके आगे आप माइनस साइन लगा दीजिए। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस थीटा होगा। 180 को, 180 डिग्री को पाई भी लिखते हैं, पाई, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आप पहले वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड गिवेन है उतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर ए बना देंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग कर रहे हैं, वेक्टर ए बना दिया, ये 4 सेंटीमीटर का था तो 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर लेंथ का मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, वेक्टर ए हो गया। और इस लाइन को, इसके हेड को थोड़ा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा देंगे। अब वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को ऐड करना है, माइनस वेक्टर बी को, तो वेक्टर बी कितना एंगल, माइनस बी वाला वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 180 माइनस थीटा। तो अब इस हॉरिजॉन्टल से 180 माइनस थीटा एंगल लेकर के माइनस वेक्टर बी बना देंगे। 3 सेंटीमीटर लेंथ का था तो 3 सेंटीमीटर लेंथ का अब माइनस बी बना देंगे। रिजल्टेंट जब भी निकालना हो तो पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो इसकी लेंथ होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा या वो ए माइनस बी कहलाएगा। तो स्केल से हम लोग इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे और वो क्या एंगल बना रहा है ये एंगल भी मेजर करना पड़ेगा। तो ये अगर मैं इसको एल एम एन सिंबल से रिप्रेजेंट करूं तो एल एन रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट होगा यानी मॉड वेक्टर ए माइनस बी होगा, ठीक है। लेंथ उसका वैल्यू उसकी इस तरह से निकालेंगे, और एंगल निकालने के लिए आपको प्रोटेक्टर से एंगल अल्फा नोट करना पड़ेगा। अल्फा जो है वो डायरेक्शन को बता देगा। तो दो वेक्टर्स अगर गिवन है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ नहीं, जो सेकंड जिस वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे, और जैसे सिंपली एडिशन करते हैं उसको वैसे ही हम लोग ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब वेक्टर में चिल्ड्रन बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब तीसरा जो नेक्स्ट हेडिंग आती है इसको हम लोगों को फोर्थ लेक्चर में कंटिन्यू करना होगा। तो थोड़ा सा हम लोग आज देखते हैं, फिर फोर्थ लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं और उनका दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है। अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं चिल्ड्रन, आज जो हम लोग देख रहे हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर, स्केलर आप जानते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवेन है उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, अगर देखिए जो हेडिंग है उसको ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट हो वो कैसा होना चाहिए, स्केलर। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवेन है और उनका प्रोडक्ट निकालने पर, उनको मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी आ रही है, जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है वो अगर स्केलर आ रहा है तो उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं। ये स्केलर प्रोडक्ट वर्ड आपने भले ही पहली बार सुना हो लेकिन इस ये फॉर्मूले आप देख चुके हैं, जैसे क्लास 9th में हम लोग पढ़ते थे फोर्स। फोर्स आप जानते हैं कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था। लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, वर्क, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर था, फोर्स भी वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आ रही है वो स्केलर आ रही है, तो इस तरह का प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट को अगर बहुत ही जनरल लैंग्वेज में कहा जाए, ले लैंग्वेज में अगर कहें, तो क्या हो जाएगा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ स्केलर, स्केलर देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट, इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन मेन डेफिनेशन ये नहीं है, मेन डेफिनेशन अभी मैं आपको बताता हूं। तो अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए कि डिफाइन डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अगर डेफिनेशन देनी है स्केलर प्रोडक्ट की तो कैसे देंगे उसको जरा समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको यहां दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवेन है। अगर आपको टू वेक्टर क्वांटिटीज गिवेन है, सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर बी है जो वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है। वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल थीटा है, तो स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, लेकिन यहां पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग डॉट सिंबल का यूज करते हैं। ए डॉट बी, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर, यानी स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट तो निकाल रहे हैं लेकिन स्केलर प्रोडक्ट के लिए डॉट सिंबल का यूज किया जाता है, और इसका ये फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आप स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। यहां पे राइट हैंड साइड में देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है मॉड में रखा हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और ये कॉस थीटा है। थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ आप क्रॉस नहीं लगा सकते, डॉट नहीं लगा सकते, जब कोई साइन नहीं लगा रहे इसका मतलब है सिंपली मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा के पीछे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, सिंपली जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट
और इनके बीच का जो एंगल है थीटा, उसके कॉस यानी कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो डिफाइन अगर करना होगा तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, बीच में मैंने सिंबल क्या यूज किया है, डॉट लगाया है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ए और बी के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साथ में कोसाइन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन, कोसाइन मीन्स कॉस, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये आपकी डेफिनेशन हो गई स्केलर प्रोडक्ट। तो एग्जाम में जब आपसे स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने को कहेगा तो ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज स्केलर देन सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ये नहीं लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, ये जो लिख रखा है कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जाम्पल्स हैं, उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग फोर्थ लेक्चर में करेंगे। तो मैं यहां इसके एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 9 10th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो क्लास 9th में वर्क एनर्जी एंड पावर लेसन में सबसे पहले एक जो वर्क का हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क फर्स्ट एग्जाम्पल स्केलर प्रोडक्ट का मैं लिख रहा हूं, ये वर्क, वर्क W इज इक्वल टू फोर्थ वेक्टर F डॉट वेक्टर S। जैसे यहां A डॉट B का फॉर्मूला क्या था, AB cos थीटा, वैसे F डॉट S का क्या फॉर्मूला होगा, F S cos थीटा। ठीक है, F S cos थीटा। तो इसमें थीटा क्या है, जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा दी, यहां कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और इस फोर्स की वजह से ब्लॉक इस ए पॉइंट से डिस्प्लेस होकर के बी पॉइंट तक पहुंच गया है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट का फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इसके क्वेश्चंस कैसे करे जाएंगे वो हम आपको कराएंगे। फिर अगर सेकंड एग्जाम्पल पावर, पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पावर के लिए सिंबल यूज करते हैं पी। पावर पी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला तो डब्ल्यू बाई टी पढ़ा था और एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डॉट वी, एफ इसमें फोर्स है, वी वेलोसिटी है, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा, तो आप इसमें लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा। अब इसमें इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, कोई साइन नहीं लगाएंगे, जब कोई साइन नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। थ्री एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, एक थर्ड एग्जाम्पल है, ये क्लास 10th में मैंने पढ़ाया था, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेसन में, हो सकता है आपने ना पढ़ रखा हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई सिंबल से लिखते हैं, फाई ओ बना देते हैं और इस तरह से कट कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में। फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसमें बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और ए जो है वो एरिया वेक्टर है। इसको बी इंटू ए नहीं बोलते, इसको एफ इंटू वी नहीं बोलते,
इन सभी को डॉट बोलते हैं, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। मैं नेक्स्ट टर्न पे लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में स्केलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूंगा, इसलिए आपको स्केलर प्रोडक्ट वाला पार्ट तो एटलीस्ट जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए, वरना नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज मैंने नोट्स आपको साथ में दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो जो मैंने लिखा है उसी को आपको कॉपी में लिख लेना है, दैट्स ऑल।